नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी 67वें पीटी परीक्षा की डेट बढ़ी, 30 अप्रैल की जगह अब 7 मई को होगी। बिहार में साल में 3 से 6 लाख आय वाले लोगों को मिलेंगे सरकारी फ्लैट, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। विश्व किडनी दिवस पर पारस HMRI हॉस्पिटल के मरीजों को किया गया प्रोत्साहित, डॉक्टर बोले संयमित दिनचर्या जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में जीत के बाद बीजेपी बोले मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाया जाए। बिहार में पर्यटकों को मिलेगी गोवा चेन्नई जैसी सुविधा, बोले मंत्री मार्च तक तैयार हो जाएंगे कई नए स्पॉट। बिहार में जल्द होगी CDPO की बहाली, बोले मंत्री मदन साहनी आंगनबाड़ी केंद्रों की मुख्यालय स्तर से होगी जाँच। साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार की खास तैयारी, बोले मंत्री पूरे बिहार में 74 स्पेशल यूनिट का होगा गठन। बिहार के गुरारू रेलवे स्टेशन के पास मिला बम, 4.25 घंटे तक ट्रेनों का आवागमन रहा बाधित। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख बढ़ गई है। अब यह परीक्षा 30 अप्रैल की जगह अब 7 मई को होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा। मालूम हो कि 802 पदों के लिए यह परीक्षा होने जा रही थी। इसके लिए 6.2 लाख आवेदन आए हैं, जो पिछली बार से करीब 2 लाख अधिक है। जानकारी मिली है कि 30 अप्रैल को पूरे बिहार में नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग को पीटी परीक्षा का सेंटर बनाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए यह तिथि बढ़ाई गई है। इससे पहले भी अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या की वजह से 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया था। आयोग के कई पदाधिकारी और कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से भी इस परीक्षा में देर पर देर हुई है। महानगरों की तरह अब भागलपुर के शहरी आवासहीनों को घर देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भागलपुर नगर निगम जमीन की तलाश कर रहा है। कम आय वाले लोगों के लिए LIG फ्लैट की तर्ज पर आवास बनाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन आधा एकड़ सरकारी जमीन की तलाश कर रही है। भागलपुर शहर में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नाथनगर और जगदीशपुर के अंचलाधिकारी को जमीन खोजने को जिम्मा दिया गया है। जमीन मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करीब 43,560 वर्ग मीटर में बनेगी, जिसमें कम्युनिटी हॉल, चिल्ड्रेन पार्क, कार पार्किंग, खेल ग्राउंड, मिनी हॉस्पिटल और छोटा बाजार भी बनाया जाएगा। यह घर उन जरूरतमंदों को मिलेगी जिनके पास न जमीन है और न ही अपना घर। ऐसे मकानों के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। ये मकान सिर्फ वैसे लोगों को मिलेंगे जो 5 वर्ष से ज्यादा समय से शहर में रह रहे हैं और जिनके पास न तो अपनी जमीन है और न ही रहने को मकान। इसके साथ ही मकान पाने वाले लोगों को 3 से 6 लाख तक आय होनी चाहिए। आवेदकों की संख्या को देखते हुए लॉटरी के माध्यम से मकान आवंटित किए जाएंगे। जरूरतमंद लोगों के चयन के लिए सर्वे भी कराया गया है। भारत में लगातार किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। किडनी की परेशानियां इन दिनों आम हो गई है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में किडनी के रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए पटना के पारस HMRI अस्पताल ने विश्व किडनी दिवस के अवसर पर किडनी मरीजों को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। पारस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण करा चुके, यहाँ इलाजरत और डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को स्मृति चिन्ह दिया गया। पारस अस्पताल के किडनी रोग विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर शशि कुमार ने बताया कि इस वर्ष विश्व किडनी दिवस का थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किडनी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। किडनी रोग नई महामारी के रूप में फैल रहा है। विश्व की आबादी का 10% हिस्सा किडनी रोग से ग्रसित है। इसका मुख्य कारण अनियंत्रित डायबिटीज और रक्तचाप है। मोटापा, संक्रमण, पथरी तथा बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किडनी रोग का बड़ा कारण है। किडनी रोग विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर संतोष ने बताया कि संयमित दिनचर्या, सही खान पान, सीमित मात्रा में चीनी व नमक का सेवन तथा नियंत्रित मधुमेह एवं रक्तचाप जरूरी है। किडनी के रोग में चेहरा, पैर में सूजन, भूख की कमी, मितली, उल्टी, कमजोरी, थकावट के लक्षण होते हैं। कभी कभी कोई तकलीफ नहीं भी रह सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरे VIP अध्यक्ष और मंत्री मुकेश साहनी को जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन बिहार में अब उनके मंत्री पद की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। BSP से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुकेश साहनी हवा में चले गए हैं और अब आगे वह बिहार में मंत्री नहीं रहेंगे। बचौल ने कहा है कि मुकेश साहनी को मंत्री नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उनकी पार्टी में अब तोड़फोड़ मचाएंगे, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, बीजेपी नेतृत्व में मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे।
बिहार राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक गोवा चेन्नई की तर्ज पर पारासल बोट, जेट अलेक और अन्य बड़ा छोटा बोट पैडल बोट का आनंद मार्च अंत तक ले पाएंगे। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के अमवामन पर्यटकीय स्थल से करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि बिहार पर्यटन को आकर्षक बनाने तथा कुछ अलग तरह की अनुभूति कराने के लिए पर्यटकों को मनभावन उपयोगी आनंदित पारासेल बोट, फ्लोटिंग जेटी, स्पीड बोट, जेट अटैक, बनाना बम्पर समेत बड़ा व छोटा बोट का प्रयोग होली के बाद बेतिया के अमवामन झील से चालू होगा। पर्यटकों के सभी उपकरण 15 मार्च 2022 के बीच वहां पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहले प्रयोग के तौर पर अमवामन में आधुनिक उपकरणों का आनंद पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना के प्रबंधन निदेशक प्रभाकर को निर्देशित किया गया था। बिहार विधान परिषद में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि पश्चिमी चंपारण के ठकहारा, पिथहा, बगहा सहित अन्य जगहों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच मुख्यालय स्तर पर होगी। अगर इस निरीक्षण में सदस्य भी जाना चाहें तो वह जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि CDPO की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है। राज्य में 55 CDPO के पद खाली है, इसकी बहाली जल्द होगी। लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि पद रिक्त होने के कारण एक CDPO को अधिक जगह के प्रभार में रहना पड़ता है, लेकिन इससे केंद्र के संचालन पर कोई असर नहीं है। सभी केंद्र सही ढंग से चल रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसी भी सदस्य किसी केंद्र की जानकारी देना चाहते हैं तो हम उस केंद्र की जांच भी जरूर कराएंगे। बिहार के विधान परिषद में गुरुवार को प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने राजद के रामचंद्र पूर्वे की ओर से अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए संकल्पित है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में 74 साइबर क्राइम और स्पेशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इससे अनुसंधान के लिए जरूरी उपकरण भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी घटनाओं के हॉटस्पॉट की चिन्हित कर कांडों के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की है। वहीं कई संगठित गिरोहों को पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक 2587 पुलिसकर्मियों और लोक अभियोजकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर गुरारू रेलवे स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह लूप लाइन पर बम मिलने से हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि बंद के दौरान नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बम को डिफ्यूज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान करीब 4.25 घंटे तक रेल लाइन पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। भाकपा माओवादी ने गुरुवार को मगध बंद का ऐलान किया था। इस बीच सुबह 10 बजे पटरी पर बम मिलने की सूचना पर रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल दोनों तरफ से ट्रेनों का परिचालन को रोक दिया गया था। गुरारू रेलवे स्टेशन के समीप लूप लाइन की पटरी पर रखे काले रंग के प्लास्टिक बम में 2 तार निकले हुए थे। सूचना के बाद मौके पर टिकारी DSP गुलशन कुमार के अलावा गया RPF के कमांडेंट मनोज कुमार चौहान, रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, रफीगंज पोस्ट इंस्पेक्टर RN मुर्मू, सब इंस्पेक्टर इंदल कुमार मंडल सहित STF व CRPF की टीम पहुंच गई। इसके कुछ देर बाद बम निरोधक व डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई। बम निरोधक दस्ते के पहुंचने के बाद बम को डिफ्यूज करने की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर 1:22 पे बम को डिफ्यूज किया गया। बम डिफ्यूज होने के बाद 1:44 पर इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। टिकारी DSP गुलशन कुमार ने कहा कि STF व CRPF टीम को कोऑर्डिनेट कर संदिग्ध बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। विस्फोटक पदार्थ की जांच कराई जा रही है। बीते 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाली गंगा नदी बेसिन का एरियल सर्वे का काम रविवार को पूरा हो गया है। इसके बावजूद भागलपुर हवाई अड्डे पर सर्वे टीम की गतिविधियां जारी रही। हवाई अड्डे पर 10 दिन पहले पहुंचे चार्टर प्लेन में मंगलवार को उड़ान नहीं भरा। वहीं एक और दूसरा चार्टर प्लेन मंगलवार को भागलपुर के हवाई अड्डे पर लैंड किया। सूचना मिली है कि सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सपोर्ट के लिए दूसरा विमान जरूरी सामान लेकर पहुंचा है। सर्वे अधिकारी रघुराम वर्मा ने बताया कि भागलपुर के बाद अब पटना रीजन के गंगा बेसिन में एरियल सर्वे शुरू होगा। भागलपुर रीजन का काम पूरा हो गया है। पटना रीजन में दूसरे विमान से सर्वे होगा। पहले विमान का मेंटेनेंस के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है। इस विमान से कोलकाता रीजन के गंगा बेसिन में शेष सर्वे का पूरा
काम किया जाएगा। एरियल सर्वे के दौरान गंगा नदी समेत इसके दोनों ओर 10 किलोमीटर तक फोटो लिया गया है। बीते एक सप्ताह के दौरान भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, नवगछिया अनुमंडल, कटिहार, पूर्णिया, साहिबगंज से सटे गंगा बेसिन का एरियल सर्वे किया गया था। यह सर्वे बांग्लादेश के सुंदरबन, कोलकाता, बंदरगाह, साहिबगंज, भागलपुर, पटना, प्रयागराज व हरिद्वार होकर गोमुख ग्लेशियर तक हो रहा है। में इसी सत्र से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम 2020-25 सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा दिलाई जाएगी। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक को दिशा निर्देश दिया है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद द्वारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी दिया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को हिंदी में भी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।